तुम लोग भाई पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके वेरियस एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया। जस्ट वी नो ह्यूमन क्वेश्चन, हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया, इनर्शिया को मेजर कैसे करेंगे। तो देखिए, इनर्शिया डिपेंड किस पे करेगी। जैसे मान ली कोई बॉडी स्टेटिक है, आपको उसको मूव कराना है, तो मूवमेंट डिपेंड करे कहाँ डिपेंड करे। या कोई बॉडी मूव कर रही है, इसको रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, और ये फोर्स डिपेंड करेगा उस बॉडी का कितना ज्यादा मास है। छोटी ऑब्जेक्ट है, छोटी बॉडी है, उसको मूव कराना आसान है, बड़ी बॉडी हो जाएगी तो मूव कराना मुश्किल है। ऐसे हल्की वस्तु है, कोई मान लीजिए छोटा सा बाल, रबर का बाल है, उसको कैच करना आसान है। उतने बड़ा आयरन बाल है, सॉलिड बाल से क्या हो, अगर सॉलिड आयरन हो तो उसको क्या है, उसको कैच करना मुश्किल है। क्यों, मास उसका बढ़ जाएगा ना, इसलिए क्या हो गया, इसलिए कह सकते हैं मास इनर्शिया जो है हमारी कहां डिपेंड करी है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ओनली। दैट्स व्हाई वी कैन से कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, फिर देखिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लीनियर मोमेंटम, जिसमें कुछ क्वेश्चन आते कंसेप्चुअल। जैसे आप बताया था कि अगर मान लीजिए क्या कोई दो बॉडी हैं, उनके से मोमेंटम है, किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, सेम वेलोसिटी है किसका मोमेंटम ज्यादा हो गया, या सेम काइनेटिक एनर्जी है, देन वी कैन कंपेयर द इनर्शी, वी कैन कंपेयर द लीनियर मोमेंटम इन द सेम वे। अगर मान लीजिए दिया परसेंटेज चेंज, तब कैसे फाइंड करेंगे। जैसे दे दिया मान लीजिए क्या कि वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इंक्रीज 50%, देन व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, या मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया गया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन हमारा होगा भाई, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इंक्रीज 50%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट यू नो हाउ यू कैन फाइंड परसेंटेज चेंज। सिंपल फॉर्मूला उसका है कि एनीथिंग का निकालना है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज चाहे इंक्रीज है चाहे डिक्रीज है, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, उस फिजिकल क्वांटिटी की निकालेंगे फाइनल वैल्यू, माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू, अपान हो गया इनिशियल वैल्यू, इंटू हो गया 100। सिंपल से, ठीक है ना। आई मीन्स क्या हो गया, इसे बोलेंगे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हो गया। एफ बी क्या यहाँ पे है, एफ बी आपका है यहाँ पर फाइनल वैल्यू, क्या हो गया फाइनल वैल्यू। किसी चीज का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको निकालना परसेंटेज चेंज, क्या निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम क्या निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या है इस वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, यहाँ क्या करा है, क्या मोमेंटम 50% इंक्रीज कर दिया गया, तो ये क्या मान लेंगे, लेट इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, मान लो पी हो गया, देयरफॉर फाइनल कितना हो गया, फाइनल मोमेंट कितना हो गया, ये जो है 50% इंक्रीज हो गया, पी प्लस पी का 50% इंक्रीज कर दो भाई, तो P प्लस क्या हो गया, P इंटू 50/100 हो जाएगा, ये आप कितना हो गया, ये हो गया P प्लस, ये 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 पी बाई टू हो गया, ये हो गया 3P/2। ठीक, दिस इज द फाइनल लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता आपका है, जस्ट वी नो देयरफॉर क्या निकालेंगे, काइनेटिक क्या होता है, निकालेंगे इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है, के का ये कितना हो जाएगा, या के वन मिल लो, के वन कितना हो गया, ये होता है पी वन स्क्वायर बाई टू एम ना, पी होता फॉर्मूला, या कितना पी वन हो गया, दिस मीन्स के वन हो गया पी स्क्वायर बाई टू एम, पी वन कितना हमारा है, पी वन कितना है, पी माना गया है, ठीक है, पी टू हमारा है 3P/2, देयरफॉर यार गो एंड निकाल लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कितना हो गया के टू, ये कितना हो गया पी टू स्क्वायर बाई टू एम, पी टू कितना है 3/2 पी एम का होल स्क्वायर
बाई टू एम कितना हो गया 9 बाई फोर पी स्क्वायर बाई टू एम। फॉर्मूला क्या है अब निकालेंगे परसेंटेज चेंज, हाउ वी कैन फाइंड। फॉर्मूला क्या होता है फाइनल वैल्यू ना, क्या निकालेंगे देयरफॉर परसेंटेज चेंज, क्या हो गया परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा के टू माइनस के वन अपान के वन इंटू क्या हो गया 100, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू अपान इनिशियल इंटू 100 करेंगे, के टू कितना हो गया 9 बाई फोर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इंटू 100 कितना है भाई, पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 9 बाई फोर माइनस वन अपान पी स्क्वायर इंटू 100 आ जाएगा ना, यहाँ पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करिए कितना आएगा ये 9 माइनस फोर अपान हो गया 4 इंटू 100, इसको कट करिए कितना भाई आएगा 25 ना, कितना है यहाँ हो गया माइनस करिए इसको तो 5 इंटू 25 जो कितना आया 125%। दिस मीन्स इफ वी लीनियर मोमेंटम इंक्रीज 50% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 125%। ओके पहले को इसमें टू लिखना भूल गए थे तो यहाँ पी स्क्वायर बाई टू एम पी स्क्वायर बाई टू एम रहेगा ना, तो यहाँ बाद में पी स्क्वायर बाई टू एम कॉमन लेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर बाई टू एम ये पूरा पूरा क्या हो गया उसमें कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर वही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट हमारा रहेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दिस मीन्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी पर क्या लगाया गया एरो लगाया गया, ठीक है, और यू कैन से वेक्टर एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, डी पी मीन्स क्या डिफरेंशियल ऑफ पी, फॉर स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाएगा डी पी आ जाएगा, अदरवाइज क्या है डेल्टा पी रहेगा। हाउ वी कैन एक्सप्लेन और हाउ वी कैन प्रूफ, प्रूफ करना है दिखाना है, क्या मान लिया कोई बॉडी है लेट एनी बॉडी और लेट एनी ऑब्जेक्ट, लेट एनी ऑब्जेक्ट हैव क्या हो गया हैव मास m, मास कितना हो गया m एंड स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया u एंड आफ्टर सम टाइम क्या हो गया द फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई द फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया भाई v हो जाएगा, ठीक है ना। क्या निकालेंगे देयरफोर इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा ये हो गया p1 इक्वल टू कितना हो गया mu, ठीक है mu एंड फाइनल कितना हो जाएगा ये हो गया p2 ये हो गया mb हो जाएगा। हमें क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देयरफोर निकालिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया रेट माने क्या डेल्टा क्या हो गया पी टू माइनस पी वन अपान चाहे गए टी टू माइनस टी वन और क्या हो गया आर डेल्टा टी जिसमें हो गया टी टू माइनस टी वन, ठीक है ये कितना हो जाएगा भाई इसे क्या बोलेंगे हम इसे बोलते हैं डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बोलेंगे क्या बोलेंगे इसी को इसे बोलते हैं डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया एम बी माइनस एम यू अपान कितना हो गया डेल्टा टी बोल देंगे इसी को ना टी टू माइनस टी वन को ये कितना हो जाएगा एम कॉमन ले लीजिए तो बी माइनस यू अपान कितना हो गया डेल्टा टी दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा पी अपान डेल्टा टी कितना हो गया v माइनस यू अपान टी क्या हो डेल्टा बी हो जाएगा ना उसे क्या बोलेंगे हम m डेल्टा बी बोलेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी अपान कितना हो गया अपान डेल्टा टी टाइम हो गया, ठीक है ये चेंज ऑफ वेलोसिटी में आ गई ना।
अब क्या आ जाएगा, दिस रेट आज एस वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन, दिस मीन्स क्या हो गया एम इंटू ए व्हिच इज फोर्स एफ, देयर फोर वी कैन से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया अप्लाइड फोर्स, एफ इक्वल टू कितना होता है हमारा एफ इक्वल टू हो जाएगा एम ए, ध्यान में आ गया ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया आप न्यूटन सेकंड लॉ मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या इसको प्रूफ कर सकते हैं ठीक है भाई। तो अरे भाई क्या होगा हमारा एस आई एब्सोल्यूट, इसके लिए पता आपका एस आई में, दूसरा होगा सी जी एस में, एस आई मीन्स क्या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इन एस आई द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड हाउ डिफाइन वन न्यूटन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन न्यूटन, क्या हो जाएगा वन न्यूटन कैसे डिफाइन करेंगे हम, क्या हो जाएगा वन न्यूटन इज डिफाइंड एज दैट मच फोर्स व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास वन किलोग्राम, दिस मीन्स वन न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा वन किलोग्राम इंटू वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर इक्वल टू कितना हो गया वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा इन सीजीएस या उसके सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में, तो वहां क्या हो गया वहां उसकी यूनिट क्या होती है डाइन, हाउ वी डिफाइन द डाइन सेकंड में क्या मारा जाएगा सेकंड हो जाएगा एब्सोल्यूट यूनिट भी है एब्सोल्यूट यूनिट कब क्या पहला है, दूसरा पार्ट क्या हो गया बी, बी पार्ट क्या हो जाएगा इन सीजीएस, क्या हो जाएगा इन सीजीएस सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा वहां पे वहां हो जाएगा आपका डाइन, नोट करिए फट से क्या हो जाएगा डाइन, एंड वन डाइन इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा भाई वन डाइन इज डिफाइंड एज दैट मच फोर्स व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना हो गया वन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास कितना भाई हो गया मास हो गया वन ग्राम, क्या हो गया वन ग्राम और सिंपली लिखेंगे वन जी ग्राम के लिखा था ठीक है ना, देयर फोर क्या हो गया यहाँ पर यहाँ हो जाएगा वन डाइन इक्वल टू हो गया वन ग्राम हो जाएगा इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कितना हो गया ये हो गया वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इन सीजीएस ओके। तो दिस इज यूनिट इन सीजीएस, पहला क्या था इन क्या था एमकेएस और एसआई सिस्टम, अब दूसरा देख क्या होता है इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, क्या बोलते हैं सेकंड क्या हो गया ग्रेविटेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है।